अभी हम ये है कि हमें शायद ये सब सिंबॉलिक आए हैं, लेकिन पंजाब के लोग वैसे ही आएंगे जैसे दिल्ली किसान मोर्चे में आए थे। खाने पीने का जिस तरीके से लंगर वगैरह चल रहा था अभी देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि कहाँ हद तक जा रहा है वो। जल्दी यदि उसने वही रास्ता अपनाया, ये चीज दिखाया जा रहा है कि ये लोग आंदोलनजीवी हैं, ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, उच्च संस्कारों के लोग, इनकी बात क्या है? ये तो हमारी कोई मेरे मुझे बता दे। ये जो यहाँ पर राजनीति का रंग देने की कोशिश हो रही है, लोग ऐसा कह रहे हैं, जो मोदी उसको बचा रहा है वो क्या है? बदकिस्मती होगी यदि देश में ये राज आ जाए जो मोदी चाहता है। उसका आदत है चुप रहने की, अपनी बात कहता है, बजरंग बली से नारा शुरू करके प्रधानमंत्री बोल रहा है क्या? जो राज बरदान की बात ही करता है, बात और करते ही कुछ नहीं है। आप बोलिए यूपी में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है, के लिए ये देश को अच्छा बनाओ। जो देश की आज़ादी के लिए लड़ा नहीं है वो हमको गद्दार बोल रहा है और खुद देशभक्त बन रहा है, उसकी बात क्या करें आप? सर क्या कहेंगे, ये जो आप लोगों का प्रोटेस्ट है, आंदोलन जो आप लोग आए हुए हैं, समर्थन कहाँ से आए हुए हैं, कैसे? हाँ, पंजाब से हैं, रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से। हमारे हरियाणा के साथ ही आए हैं, पंजाब के साथ ही आए हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि हमारे देश में हमारे देश की पहलवान लड़कियों और लड़कों के साथ, खासतौर पर बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ है और जिस तरह का मोदी सरकार का एटीट्यूड है वो बहुत ही निंदनीय है। एक तरफ हम बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम देश में एक अमृत शासन चल रहा है, इस देश में तो हमारा सब दुनिया से आगे देश है हमारी सभ्यता, लेकिन ये क्या सभ्यता हुई कि ब्रजभूषण जो एक बहुत ही गुंडा किस्म का इंसान है वो हमारी बेटियों के साथ कोई ज्यादती करे, बेटियों बयान दे? कोई बेटी ऐसे बयान दे सकती है? लेकिन उसके खिलाफ FIR भी दर्ज तब हुई जब लोगों ने धरना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। और हम चाहते हैं कि ये बात कि उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए और इंक्वायरी करके उसके ऊपर पूरा मुकदमा चलने के बाद जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए, और जो न्याय हुआ है बेटियों के साथ, इन पहलवानों के साथ, उसकी पूरी तरह से सरकार ये माफ़ी मांगे। अदरवाइज ये हमारे देश के लोग क्यों लड़ेंगे अपने मेडल के लिए, देश के लिए क्यों मरेंगे वो लोग? यदि यही अवस्था हुई, ये एक उन लोगों की अवस्था है जो दुनिया में पहचाने जाते हैं। यदि गाँव की लड़की के साथ, गाँव के किसान की बेटी के साथ कोई अन्याय हो जाए तो देश में कौन सुनेगा? तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है। पंजाब के लोग भी मतलब यहाँ पर पहुँच गए हैं, आपका ये कहना है कि यहाँ पर समर्थन पूरा पूरा है पंजाब के लोगों का? पूरी तरह पंजाब के लोग, अभी हम ये है कि हमें शायद ये सब सिंबॉलिक आए हैं, लेकिन पंजाब के लोग वैसे ही आएंगे जैसे दिल्ली किसान मोर्चे में आए थे। ये सब वही लोग हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमें एक रास्ता मिल गया है कि सब लोगों को इकट्ठा करके जुल्म के खिलाफ लड़ो। ये जुल्म कुछ जगह पे ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि ये लोग आंदोलनजीवी हैं, ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। अरे ये ना बुरे काम करे कौन आंदोलन करेगा? यदि ब्रजभूषण बेहरा हमारी बेटी के साथ ये अन्याय ना करता, हरासमेंट ना करता, तो कौन आंदोलन करने आता? यानी जो बेईमान आदमी जो अन्याय करता है वो ये कहता है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठानी बंद कर दो, ये क्या बात हुई? तो उन्होंने देश का नाम बदनाम किया, हम तो देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस सारे आरोप जो है गलत बता रही है, कोई भी साबित नहीं हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ, ना तो दारू पिया था, ना शराब पिया था, ना उस जो है इनके ऊपर मारपीट हुई, कोई वीडियो है, ऐसी बातें कही जा रही है। क्या भरोसा करें, हमारे देश का तो एक कानून बना दिया कि देश के बहुत पक्ष में है, उसी कानून को वापस करना पड़ गया। अरे इतना कानून किसानों के पक्ष में था, वापस क्यों करना पड़ गया? मैं ये कहता हूँ उनके लिए तो 7 लोग हमारे लहिरी में जो मारे गए किसान, वो भी कहते हैं कोई न्याय की बात है, वो हमारे लड़के ऐसे है ही नहीं है। जो बिकलिस बानों के केस में जेल में बंद थे उनको जेल से रिलीज कर दिया गया कि वो तो उच्च संस्कारों के लोग, इनकी बात क्या है? ये तो हमारी कोई मेरे मुझे बता दे कि छोटी बेटी रल्ट भी ना हो वो बयान दे सकती है। हमारे तो ये परंपरा है कि अपने उस्ताद, जो प्रदर्शन का उस्ताद होता है, जो उनको कोचिंग होता है, उसके पैर पांव छूते हैं लोग कि मेरा ये गुरु है, ये गुरु करता है कभी? मेरा कहना शर्मनाक बात है। और गुरु ये कहता परसों कि मैं क्या एक गोली खाता हूँ सेक्स की जो मुझे इतनी लड़की ने पसंद आ गई, उसने बयान दिया ये बात कि बहुत ही शिलाजीत की रोटी, शिलाजीत की रोटी। आप बताइए मुझे ये देश में एक वर्ल्ड फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनने के लायक है वो? और इसके प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरा, मैं इसको अभी जेल में बंद करता हूँ। मान लीजिए को उसके लिए प्रधान की लड़की को ये बात बोले कि मैं शिलाजीत खाता हूँ, क्या बात बनी ये बात? लेकिन ये जो यहाँ पर राजनीति का रंग देने की कोशिश हो रही है, लोग ऐसा कह रहे हैं, जो मोदी उसको बचा रहा है वो क्या है? जो मोदी उस गुंडे को बचा रहा है ये क्या बात है? वो राजनीति करे, बचाने वाले लोग जो उनके बच्चियों के लिए, वो राजनीति ना करें, ये क्या बात है? क्या तो मोदी ये कहे कि मैं राजनीति नहीं कर रहा, इसको फाहे लगाओ, मैं समझ लूँ उसको? तो वो कहता है बचाना है मैंने, जब हम आवाज़ उठाते रहते हैं राजनीति करते, ये क्या बात है? ये हिंदू राष्ट्र की मांग भी चल रही है बगल में, और यहाँ पर ये देश में जो माहौल है दो तरफा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बदकिस्मती होगी यदि देश में ये राज आ जाए जो मोदी चाहता है,
ये देश एक धर्म का देश नहीं है, देश की आज़ादी के लिए सब लोगों ने जान मारी है। हमारे जलियांवाला बाग है सामने, उसके पूरी एक नाम लिखे हुए जो शहीद हुए, सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले लोगों में मुस्लिम हैं वहाँ, अभी जाके देख सकते हो। मैं ये नहीं कहता मुसलमानों में कोई ऐसा उनका राज चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहता मैं खालिस्तान की बात बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जब कोई हिंदू राज की बात करेगा तो फिर बुरे लोग वे भी कहेंगे खालिस्तान भी चाहिए, हमारा देश बढ़ जाएगा। इस मोदी जी देश को बर्बाद कर देगा, मैं ये कहता हूँ। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान मुसलमान धर्म के नाम के ऊपर बना, अभी पाकिस्तान का क्या अवस्था होने वाली है? कोई धर्म के नाम के ऊपर देश बना दुनिया में, मुझे बता दीजिए उसने क्या डेवलपमेंट की है? दुनिया में ये सेकुलरिज्म ही है जो लोगों को एकजुट करता है, लेकिन मोदी ये चाहता है कि जो संतालियों में पाकिस्तान ने गलती की अब हम वो गलती करेंगे। मैं समझता हूं इसके लिए बहुत ही घातक और खतरनाक बात होगी। तो क्या कहेंगे मोदी जी इस पे, चुप हैं इस मुद्दे पर पूरी तरह से? अभी उसका आदत है चुप रहने की, अपनी बात कहता है, बजरंग बली से नारा शुरू करके प्रधानमंत्री बोल रहा है, क्या है देश का बात? ये देश बजरंग बली हमारा भी है, रामचंद्र हमारा भी है, हमारे गुरु नानक देव जी भी हैं, भगत सिंह भी हमारा है, ये क्या बात हुई कि देश का प्रधानमंत्री अभी भाषण धर्म के नाम के ऊपर कर रहा है? मैं ये कहता हूँ कि वो तो इसलिए चुप है, वो लोगों की बात सुनता ही नहीं है। क्या अर्थ है उसका, बजरंग बली का, जो आप बता रहे हैं? वो कहते हैं हिंदू लोग वोट डाल दें मेरे, बजरंग बली के लिए हम बहुत बड़े लंबरदार हैं बजरंग दल के, यानी बजरंग बली ये काम करता है जो बजरंग दल करता है। बजरंग दल लड़कियों को छेड़ता है, बजरंग दल के मेंबर लोगों को हत्या करते हैं, बजरंग दल के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मारते हैं, क्या वो बजरंग दल बजरंगी का सेवा करते हैं? यानी बजरंग दल एक हत्या करने वाले लोगों का संगठन, बजरंग बली हमारे पूजने की बात है? तो मैं कहता हूँ ये कितना चलाक बात है, प्रधानमंत्री बोल रहा है कि बजरंग दल और बजरंग बली एक ही चीज़ है। बजरंग बली तो हमारा सबका है ना, बजरंग दल हमारा नहीं है, वो तो ऐसे लोगों का संगठन है जो दिन दहाड़े आदमी को मार देते हैं, हम उनके साथ नहीं है। किसान कभी पहलवान कभी जवान सब लोग सड़कों पर ऐसे क्यों आ जाते हैं? आपको क्या लगता है, क्या इनकी नीतियाँ गलत हैं या फिर कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि एक विरोध प्रदर्शन होता है? कहीं बहलावे में आके लोग नहीं लड़ते, कभी नहीं लड़ते, बहलावे में आके कुछ दिन चार दिन लड़ते हैं भाग जाते हैं। लोग तब लड़ते हैं लोगों को मालूम हो जाए मेरा काज ठीक है, मेरा जो मैं लड़ रहा जिस बात के लिए वो बात ठीक है। इसलिए मैं समझता हूँ जब तक मोदी ये नीतियाँ लगा रहा है तभी लोग लड़ते हैं, अभी हमें क्या जरूरत है यहाँ लड़ने वाले आने की, हम यहाँ कुछ आपके लिए थोड़ी आए। पावरफुल आदमी है ब्रजभूषण शरण सिंह, आपका ये कहना है? मोदी से बड़ा नहीं है, जब मोदी आके कह सकता है कि मैं देश के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, मैं 3 क्विंटल वापस लेता हूँ, उससे बड़ा नहीं है ब्रजभूषण, ये समझ लीजिए। हिटलर से बड़ा नहीं है वो, हिटलर लोगों को मारता था, जब अपनी बारी आई ना अपनी धर्म पत्नी के साथ आत्महत्या कर गया था वो। मैं नहीं कहता मोदी के बारे में और कुछ, लेकिन ये योग समझे कि मैं सबसे पावरफुल हूँ ना, वो सबसे बलेखे में रहता है दुनिया में, पावरफुल दुनिया है, जैसा जो दुनिया जहाँ जाएगी वो पावरफुल है, ना मोदी पावरफुल है ना कोई और पावरफुल है। ये भी आरोप लग रहा है मीडिया में खासकर चल रहा है, जो टीवी चैनल है उसमें, कि लोग भड़का रहे हैं और ये बयानबाजियां लोग चला रहे हैं इस तरीके की, ताकि जो है जनता में आक्रोश बढ़े। मेरा कहने का भी यदि मोदी के है भड़का रहा है तो बहुत ही असर्ज बात है, जो रात बर्दानगी बात ही करता है, बात और करते ही कुछ नहीं है। आप बोलिए यूपी में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है, भड़काता कौन है? हम तो लोगों कहते हैं अरे भाई बहनों तुम इकट्ठा होकर लड़ो अपनी मांग के लिए, ये देश को अच्छा बनाओ, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ा नहीं है वो हमको गद्दार बोल रहा है और खुद देशभक्त बन रहा है, उसकी बात क्या करें आप? मैं ये कहता हूँ पावरफुल बिल्कुल नहीं है ये देश का, अभी समझ लीजिए आप, देश बड़े बड़े लोगों ने जब इमरजेंसी लगी थी ना उस समय बहुत समझते थे लोग हम हमेशा रहेंगे, एक लोगों ने दिखा दिया आप क्या है, मोदी को भी दिखा देंगे हम लोग, देश के लोग, हम नहीं देश के लोग दिखा देंगे कि मोदी ये कोई दुनिया से बड़ा आदमी नहीं है। खाना पीना नहीं आने दिया जा रहा है, ये आरोप लगता रहा है, यहाँ पर बिजली काट दी जाती है, तो इनके खाने पीने की जो दिक्कत है, तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं जो लोग रह रहे हैं आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या आगे आप लोग सोच रहे हैं? इसी दिल्ली में चांदनी चौक में 9वें गुरु का सर काट दिया था क्योंकि धर्म परिवर्तन के खिलाफ था वो, इसी दिल्ली में बंदा बहादुर के बेटे का खून करके उसका जो जिगर है उसके गले मूस में डाला था, यही दिल्ली में बहुत अन्याय हुआ, 84 में दंगे भी हुए। मैं जी कहता हूँ दंगा करना, ये बेइंसाफी करना, जुल्म करना सरकारों का काम है, जितना मर्जी जुल्म कर ले वो, हमारा पावर काट दे, हमारा भोजन काट दे, हम भूखे लड़के मर जाएंगे, लेकिन मोदी की बात को नहीं मानेंगे, हम लड़ने वाले लोग हैं, आज़ादी में ऐसी लड़ाई ऐसी हुई थी। नहीं, कोई भी आंदोलन तभी चलता है ना जब लंबा की जब जो है उसके रिसोर्सेज जो खाने पीने का जिस तरीके से लंगर वगैरह चल रहा था, अभी देख रहे हैं उसको, देख रहे हैं कि कहाँ हद तक जा रहा है वो, जल्दी यदि उसने वही रास्ता अपनाया जो किसान आंदोलन में था वही रास्ता अपनाएंगे। किसान आंदोलन में क्या कहा कि मैं लोग ये नहीं बैठने दूंगा, पर लंगर भी आए, दुनिया भर के लोग आ गए, देख लिए सब लोगों ने आके। मैं ये कहता हूँ बार बार कि मोदी को समझना चाहिए कि दुनिया से पावरफुल कोई नहीं है,
लोग सबसे बड़ी ताकत है। यदि मोदी भी प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के लोगों के समर्थन के साथ मिला, अभी लोगों से न्याय कर रहा है वो नहीं रहेगा देश। तो ये हरियाणा का मुद्दा नहीं रह गया, पूरे हर पूरे देश हरियाणा की तो बात ही छोड़ो, देश का मुद्दा है और दुनिया के स्पोर्ट्समैन का मुद्दा बन गया। अंतिम रूप से हम मैसेज क्या देंगे लोगों को? हाँ, मैसेज ये देंगे कि इन बच्चियों के, हमारे पहलवानों के हक में आइए और सब लोग आए, मोदी को मजबूर करके ब्रजभूषण बैरा को पकड़ के जेल में डाले, उसके मुकदमा चलाए और बेटियों से माफी मांगे कि जो आपसे साथ हुआ है हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं, हम ये चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।